हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने लैपटॉप SSD है वो अपग्रेड कराते हो तो उससे पहले आपके माइंड में आता होगा कि SSD अपग्रेड कराने का रीजन क्या होता है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको दो सिस्टम दिखाने वाला हूँ, एक के अंदर SSD होगी और एक के अंदर हार्ड ड्राइव होगा। तो आप लोग खुद वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल से समझिए कि SSD वाले में और हार्ड ड्राइव वाले में क्या डिफरेंस है। सेम प्रोसेसर रहेंगे, फिर भी देखना है कि कौन पहले ऑन होता है और किस में टाइम है वो ज़्यादा लगता है, हार्ड ड्राइव में या SSD के अंदर। पहले भी मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है हार्ड ड्राइव और SSD के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो आपको ऊपर आई बटन पर वीडियो आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको डिफरेंस है वो पता चल जाए। अब हम लोग बात करने हैं कि लैपटॉप के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है SSD में और हार्ड ड्राइव में, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं दोनों लैपटॉप आपको सेम टाइम पे ऑन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए भाई प्रैक्टिकल की SSD और हार्ड ड्राइव में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं दोनों लैपटॉपों को एक ही टाइम पे ऑन कर रहा हूँ, तो देखिए पहले जो लैपटॉप है वो कौन सा ऑन होता है। ये देखिए ये ऑन हो चुका है, ये अभी भी ऑन हो रहा है। तो ये SSD और हार्ड ड्राइव के अंदर है वो फर्क होता है, जो आपने एग्जांपल तौर पे देख लिया होगा कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस के अंदर क्या फर्क आया है। तो लगभग सेम प्रोसेसर है, सेम जनरेशन के लैपटॉप है, फिर भी ऑन होने में काफी है वो डिफरेंस आपको दिखा SSD और हार्ड ड्राइव में। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।